तो गाइस आईपीएल 2024 में मैचेस जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चेन्नई के फैंस के लिए अच्छी खबर निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि जो चैंपियन टीम पिछले साल तक थी, इस बार इनके प्लेऑफ्स के पहुंचने के भी थोड़े से दिक्कतें आग पड़ी है, क्योंकि इस बार के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी तक लगातार कुछ मुकाबले हारते चले आ रहे हैं, और जो चीजों का डर था वही चीज होता हुआ नजर आया। पहले भी चीजें मैंने बता रखी थी कि चेन्नई सुपर किंग्स यहां मैचेस हार रही हैं, लेकिन इसको आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो गलती है वो लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी और ये चीजें सेम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स लगातार मुकाबले तो हार ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो पहले मैंने आपको गलती बताई थी कि चेन्नई ये करती हुई नजर आ रही, वो ज्यादा एक्सपोज होती हुई नजर आई। तो गाइस इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में बात होगी कि क्या चीजों की गलतियां हो रही हैं और क्या चेन्नई सुपर किंग्स इससे उबर पाएगी या फिर चीजें इनके लिए यहीं पे खत्म हो गई हैं। तो वीडियो को अभी लेकर पूरा इंटरनेट देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लिया, जो लोग भी चैनल पे अभी पहली बार जुड़े होंगे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसी तरीके की क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले चीज के बारे में कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हुआ क्या है, क्यों ये मैचेस लगातार हारते चले जा रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक 8 मुकाबले इस बार के आईपीएल में खेले हैं, 4 जीते हैं 4 हारे हैं, 8 अंक के साथ नंबर 5 के पोजीशन पे। और चेन्नई सुपर किंग्स इस बार के आईपीएल में पहली दफा ऐसी बार ऐसा हुआ है कि टॉप 4 के पोजीशन से नीचे गए, और ये बहुत ही बड़ी हैजर्ड का यहाँ पे सिचुएशन है, क्योंकि बाकी जो टीमें हैं वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो गाइस जो सबसे पहली चीज हो रही है वो हो रही है टॉस मैटर। टॉस सबसे बड़ा यहाँ पे मैटर करता है, आपको भी पता है कि टॉस सबसे बड़ी यहाँ पे जो कि अंडरस्टैंडिंग रखती है, और चेन्नई के और ऋतुराज की बात करें तो ये लगातार टॉस हारते चले जा रहे हैं, लेकिन खैर ये तो किस्मत का खेल है, टॉस आपके हाथ में रहता है नहीं, लेकिन तब भी बात कर लिया जाए तो ये पहली चीज है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे चेन्नई को हर्ट करती हुई नजर आ रही है कि टॉस आपके पक्ष में नहीं, यानी किस्मत ही अगर आपके पक्ष में नहीं है तो आप मैचेस कैसे जीत सकते हैं, ये एक तरीके का मैं बोल सकता हूं, लेकिन टॉस जो है वो सबसे बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ड्यू काफी ज्यादा आ जा रही है और ड्यू आने की वजह से ही चेन्नई सुपर किंग्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। दूसरी चीज के बारे में बात करें जो कि चेन्नई को काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती हुई नजर आ रही है, वो है इनकी वीक बॉलिंग। हाँ गाइस अगर बात कर लिया जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स पहले तो यहाँ पे मैचेस लगातार जीतते चले गए थे, टीम उतनी ज्यादा यहाँ पे अभी एडवांस थी नहीं, अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे ढूंढती हुई चेन्नई नजर आ रही थी, लेकिन अब बात कर लिया जाए तो सभी टीमों के पास बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है, और वो बेस्ट कॉम्बिनेशन आने के बाद जो दिक्कत है वो चेन्नई को ही होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनकी जो पहले वीक बॉलिंग थी जो कि पहले उतना ज्यादा शेडो ऑफ हो जा रही थी, अब वो सामने से एकाएक उभर आई है, और इनकी बात करें तो जो बॉलिंग वीकनेस है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और ये सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे बात कर लिया जाए तो बॉलिंग चेन्नई की वीक है, उतने ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस आ नहीं पा रहे हैं, और इन्हीं की वजह से बात करें तो बॉलिंग की दिक्कतों की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स मैचेस हारते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास दीपक चहर परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हैं, उसके बाद तुषार देशपांडे क्यों खिला रहे हैं वो तो आगे मैं बात करूंगा, वो अभी समझ नहीं आ रहा है, उसके बाद मिस्टर फिजूर जो कि सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वो लगातार यहाँ पे मुश्किल में यहाँ पे पिटते चले जा रहे हैं, तो ये चीजें अब एक्सपोज होती हुई सामने नजर आ रही है, और इसी वजह से चेन्नई को हार का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी चीज के बारे में बात करें, भाई अगले पॉइंट से जाने से पहले मैं बात करूं तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने, क्योंकि टेलीग्राम पे बात करें तो अब यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स पे लगातार बातें होंगी, आप हमसे लगातार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे सब चीजें होंगी, उसके साथ यहाँ पे गिव अवेज के भी मैटर्स जो कि अब सामने आते हुए नजर आएंगे, उसके साथ काफी सारी चीजें न्यूज प्रोवाइड हो रही है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और रोज शाम को 7 से 7:30 बजे तक हमसे लाइव ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे हम लोग सभी चीजें के बारे में डिस्कशन करेंगे। और गाइस फाइनली बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट्स के बारे में, तो ये है ओपनर्स को लेके। ओपनर्स की बात करें तो लगातार फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। चेन्नई पहले जीतती कैसे थी, पहले के राज की अगर बात करें तो आपको भी पता है कि चेन्नई के पास अच्छे ओपनर्स थे, ओपनर जब अच्छी तरीके से आपको स्टार्टिंग दे देते थे उसके बाद चेन्नई मुकाबले जीत जाती थी, यही चीज लगातार होता हुआ नजर आता, लेकिन इस बार ये चीजों में यहाँ पे दिक्कतें आ पड़ी हैं, क्योंकि पहले जो ड्यूप्लेसिस काम करते थे, कॉनवे काम करते थे, वो इस बार रचिन कर नहीं पाए थे, और यही पे यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा था कि इन्होंने प्लेइंग 11 से रचिन को ही बाहर निकाल दिया था, उसके बाद रहाणे पे विश्वास जताया था, लेकिन रहाणे का भी परफॉर्मेंस इस साल डामाडोली है, और ओपनिंग में ही अगर आप जल्दी विकेट अगर गिरा देंगे, अगर जल्दी ही विकेट गिर जाएंगे तो आपको
आपको उस चीजों से रिकवर होने में कम से कम 3 से 4 ओवर लगते हैं और उसमें चेन्नई सुपर किंग्स का जो नेट रन रेट है वो काफी डाउन हो जाता है और इसी वजह से सामने वाली टीम जो है वो काफी यहाँ पे हाई डिमांड में आगे आ जाती है और वो जो रन कम होते हैं बाद में जाके आप ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि स्टार्टिंग में ही रन ज्यादा रहेंगे तो एट द एंड में 15 से 20 रन का आप ज्यादा फर्क मार्जिन लेके चलेंगे। बॉलिंग आपके पास वैसे ही वीक है, अगर आप वो मार्जिन आगे लेके नहीं जाएंगे तो आप मैचेस हारेंगे और वही सेम चीज होती हुई नजर आ रही है कि आपके स्टार्टिंग में ओपनर्स चल नहीं पा रहे, आप यहाँ पे मुकाबले उतने ज्यादा रन बना नहीं पा रहे, बना भी रहे हैं तो वो जो मार्जिन है जो कि आप बॉलर्स को ज्यादा देना चाहते हैं वीक बॉलिंग की वजह से वो चीजें नहीं दे पा रहे हैं और ओपनर्स की सबसे बड़ी गलती है जो कि सामने निकल के आ रही है। अगली चीज के बारे में हम लोग बात करें तो देश पांडे और दीपक चाहर ये दोनों खिलाड़ियों को क्यों रखे हैं ये अभी तक किसी को नहीं समझ में आ रहा है। दीपक चाहर तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि थोड़े से इंटरनेशनल कॉजेज हैं तो इसलिए आप इन्हें खिला रहे हैं, लेकिन देश पांडे आपके बात करें तो पिछले बार हाईएस्ट विकेट टेकर थे लेकिन रन कितने दिए थे, इस बार आपके हाईएस्ट विकेट टेकर भी क्या विकेट ही नहीं ले रहे हैं लेकिन तब भी आप इन्हें प्लेइंग 11 में रखे हैं तो क्यों रखे हैं कैसे रखे हैं ये मुझे नहीं समझ में आया। मुकेश चौधरी को आपने एक मैच खिलाया, अगर आप उन्हें लगातार मुकाबले में मौका देता तो हो सकता था कि मुकेश चौधरी अच्छे कर जाते। सिमरजीत को आपने रखा है वो नहीं करा, हेंगा गिरकर को रखा है उनको क्यों रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ देश पांडे के ऊपर यहाँ पे दाव खेलते जा रहे हैं और देश पांडे इनको लगातार निराश करते जा रहे हैं, ये चीजें भी काफी ज्यादा दिक्कत कर रही है। और देश पांडे की जगह पे अगर ये एक मिस्ट्री स्पिनर रखेंगे जो कि चिपॉक में आप मैचेस खेले तो एक मिस्ट्री स्पिनर आपको चाहिए और आप मिस्ट्री स्पिनर में शिक्षण आप खिला नहीं रहे और इनके पास बाकी बात करें तो यहाँ पे सोलंकी है तो उनको मौका दे नहीं रहे, आप स्पिनर्स को एक अच्छे स्पिनर्स को मौका दीजिए तभी आपके लिए वो अच्छा करेंगे क्योंकि आपके जीत का राज वही है, आप स्पिनिंग से स्पिनर्स से आप ज्यादा दबाव डालते हैं और सामने वाली टीम को पटक देते हैं, वो चीजें इस साल आप कर ही नहीं रहे तो आप मैचेस कहां से जीतेंगे, ये चीजें सामने निकल के आ रही है और ये चीजों पे अगर खामियाजा नहीं भुगतेंगे तो सीधा सीधा बात है अगला मुकाबला आप हैदराबाद से खेलने वाले हैं, हैदराबाद की टीम वही है कि ये अगर वीक बॉलिंग रहेगी तो वो 10 से 12 ओवर में ही आपके पत्ते झाड़ देंगे, तो इसलिए अगर बात कर लिया जाए तो इस बॉलिंग के वजह से आप आगे नहीं चल सकते और हैदराबाद जैसी टीम के सामने तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते ऐसी बॉलिंग लेके, तो यहाँ पे इन चीजों पे थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है, चीजें आपके लिए बिगड़ती चली जाएंगी, मुश्किलें आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। अब क्या चीज है वो मैं टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से, सब चीजों के बारे में बात होगी लेकिन फ्रस्ट्रेशन जो होती है फैंस की वो सामने निकल के आ रही है और चीजें दिक्कत कर रही हैं। अब आपको एक दो डिपार्टमेंट में अब आप कह रहे हैं कि हम चेन्नई हैं, हम जो प्लेयर्स पे खेलते हैं वो लगातार उसी प्लेयर्स के साथ बने रहते हैं, वही प्लेयर हमें मैच जिताएंगे, लेकिन आपको चीजें अब चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि उस तरीके की चीजें नहीं है, अब आप धीरे धीरे करके उस जोन में जा चुके हैं कि मैचेस अगर आप नहीं जीतेंगे तो सामने वाली और ऊपर वाली टीम आपके हराते चले जाएंगे और वो प्लेऑफ में अपनी जगह बना लेंगे, तो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आपको अभी से बेटर करना पड़ेगा। तो ये चीजें थी जो कि चेन्नई के लिए सामने निकल के आ रही हैं, चेन्नई मैचेस हारती जा रही है, अब इस पे चेन्नई को ध्यान देने की जरूरत होने वाली है। अब क्या चीजें हैं वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा लेकिन फिलहाल के लिए यही वीडियो थी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे अभी भी बात करेंगे चेन्नई को अब क्या करने की जरूरत होने वाली है, कौन कौन से फ्लो में काम करेंगे, तो फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं, लाइक सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।